हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है और अभी सुबह के 7 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज है थर्सडे और 29 जुलाई है आज, और यहाँ पर देखिए कोटद्वार में आज मौसम कुछ ऐसे हो रखा है। तो आज बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई और कल तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी यहाँ पर, लेकिन आज मौसम एकदम सही है। तो आज मैं आप लोगों से अपने एक छोटा सा मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, घर की क्लीनिंग के बाद और बाकी के काम निपटा के अभी मैं चली गई हूँ अपने घर के आगे एक छोटी सी क्यारी में, और जिसमें हमने मक्की उगाई हुई है और भिंडी उगाई हुई है और साथ में हमने अदरक भी उसमें उगाई हुई है। तो ये जब मैं पिछली बार यहाँ पे आई हुई थी तो तब मैंने यहाँ पे बोए हुए थे, और अभी काफ़ी टाइम से यहाँ पर हमने सफाई नहीं करी थी, तो इसके बीच में ना बहुत ज़्यादा घास जम गई थी। तो फिर मैंने सोचा यार कि फालतू की घास जमी है, क्यों ना मैं इसको निकाल देती हूँ। और यहाँ पे जो हमने भिंडी वगैरह के पौधे उगाए हुए थे ना, तो वो दिख भी नहीं रहते, इतनी ज़्यादा यहाँ पे घास जमी हुई थी, उसी को मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो पूरी क्यारी को मैंने यहाँ पे साफ कर दिया है और अब तो गाइस, क्यारी का काम निपटाने के बाद मेरे पास दूसरा काम था कि डोगी को नहलाना। तो अब ये क्यारी का काम निपटा के और उसके बाद चलते हैं हम अपने प्यारे सी डोगी को नहलाने के लिए। तो दोस्तों, आजकल हमारी प्यारी सी डॉगी की जो है ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, क्योंकि उसके उस पर ना थोड़ी सी एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई है, तो इस वजह से वो थोड़ी सी अजीब सी दिख रही होगी इसमें। तो काफ़ी मज़े से वो नहा रही थी और उसने मुझे अच्छे से नहलाने दिया। सो हेलो दोस्तों, सारा काम निपटाने के बाद सुबह से अब जाके मुझे टाइम मिला है कि मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। और अभी नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है तब से, तो और इसको मैंने नहलाया, उसके बाद थोड़े से और काम मुझे निपटाने थे, वो भी मैंने निपटा लिए थे, और उसके बाद अब जाके मुझे मौका मिला है कि मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। तो इसको नहलाया, फिर मैं अभी खुद भी नहा के आई हुई हूँ। और तो सबसे पहले तो यार मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई हूँ कि मैं गाँव से आ चुकी हूँ, और गाँव से आने के बाद मैं अभी हूँ अपने कोटद्वार वाले घर पर, तो जहाँ पर अभी मैं हूँ और मेरी प्यारी सी दोस्त हमारी स्योड़ी। तो मैं और स्योड़ी अभी यहाँ पे है कोटद्वार वाले घर पे, और स्योड़ी के साथ मेरा देवर था तो अभी गाँव गया हुआ है, तो वो भी आ जाएगा कल। तो अभी हम दोनों ही घर पे हैं, और इसको देखिए कितने मज़े से ये लेटी हुई है, और ये आप देख सकते हो नहाने के बाद इसको इतनी अच्छी नींद आई हुई है, इतनी अच्छी नींद आई हुई है। उठ जा स्योड़ी, उठो 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 मेरा बच्चा, उठो उठ जाओ उठ जाओ। और ये देखो उठी भी नहीं रही है सुबह से, जब से नहाई है ना तब से लेटी हुई है यहाँ पे, बस इसको सोफे में सो। दोस्तों आजकल ना छोड़ी की भी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, उसको एलर्जी वगैरह हो गई है, इसलिए वो आजकल ना बहुत सुस्त सी रहती है, मतलब चुपचाप से रहती है, क्योंकि उसको थोड़ी सी एलर्जी हो रही है, तो इस वजह से। तो हाँ, मैं आप लोगों की थोड़ी सी कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ कि मैं गाँव कभी यहाँ कभी वहाँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा ना कि कब मैं कहाँ जा रही हूँ, कब कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ,
कि पहले ना मैं अपने ससुराल में थी और उसके बाद मैं गई थी अपने नाना नानी के घर पे। तो वहाँ पे नाना नानी के घर पे मुझे मतलब 2-3 दिन 3-4 दिन हो रहे थे। तो उसके बाद मुझे फिर से अपने ससुराल में कुछ काम पड़ गया, तो इस बार मतलब मैं आ गई थी कोटद्वार वाले घर पे, मतलब 2-3 दिन मैं वहाँ पे रही थी। तो यहाँ पे कोटद्वार में मुझे कुछ अर्जेंट कुछ काम पड़ गया था, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो वहाँ पे 2-3 दिन रहने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ और अभी मतलब मैं कोटद्वार में हूँ, कोटद्वार वाले घर पे हूँ अपने। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा गाँव में भी घर है और कोटद्वार में भी घर है, मतलब गाँव में भी मेरा ससुराल है और यहाँ पर भी मेरा एक तरह से ससुराल ही हुआ है ना। तो और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे 2-4 दिन और रहूँगी और उसके बाद मैं फिर से मायके जाऊँगी यहाँ से सीधा। तो जाऊँगी मैं अपने नाना नानी के घर पे। तो वैसे तो मायका और ससुराल मेरे पास पास में ही, दोनों एक सामने ही है, मतलब साथ साथ में ही है। अगर आप लोगों ने पहले वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, क्या हूँ, क्या कर रही हूँ। तो पता क्या हुआ था ना, 3-4 5 दिनों से ना मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया और मैंने सोचा यार बड़ी मुश्किल से तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैंने सोचा यहाँ पे ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था ब्लॉग बनाने का, टाइम भी नहीं मिल पा रहा था और मैं अकेली थी तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ, क्या वीडियोज़ बनाऊँ। फिर मैंने सोचा यार कि आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है कि मैं इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ। क्योंकि अकेले अकेले होता है ना कि समझ में नहीं आता यार क्या क्या बनाएं, किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाएं। तो मैंने सोचा यार आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है कि क्यों ब्लॉग नहीं आ रहे मेरे, है ना, क्यों वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। तो अभी आप लोगों को पता चल ही गया होगा। और अभी मैं यहाँ से जाने के बाद कुछ दिन नाना नानी के घर पर रहूँगी और उसके बाद फिर ससुराल जाऊँगी। दोस्तों जब तक भी मैं यहाँ पे हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि एक ब्लॉग तो मैं ज़रूर बनाऊँ और उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पहले तो मैं यहाँ पे डेली ब्लॉग बनाऊँ, या फिर डेली ब्लॉग ना भी बन पाए तो एक दिन छोड़कर मैं पक्का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो कोशिश तो मैं यही करूँगी। तो सब देखते हैं मेरी वीडियोस कल से बन पाती है नहीं बन पाती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक ब्लॉग तो पक्का ही बनाऊँ कम से कम एक दिन में, या पहले तो रोज़ ही या फिर एक दिन छोड़ के मैं ज़रूर ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँ। तो यार सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट किया और आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट की वजह से मुझे थोड़ी सी और ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है। वैसे सच बताऊँ तो मैं ना बोलते बोलते भूल जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना है, तो इस वजह से थोड़ी सी कभी कभी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो जो भी है, लेकिन आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद हो। तो उम्मीद यही है कि आप लोग मुझे आगे भी ऐसे अपना प्यार देते रहेंगे और मुझे सपोर्ट करते रहोगे। तो अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रहिए, ताकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट की वजह से मुझे मैं मतलब मोटिवेट होती रहूँ और मैं और ज़्यादा अच्छे से कोशिश करूँ कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो मैं बस इतना ही, और आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।